रायपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि निम्स विश्वविद्यालय में 16 जनवरी से 31 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया है। युवाओं को स्वच्छता के लाभ, हाथ साफ करने का तरीका और टॉयलेट को साफ रखने का तरीका पोस्टर बनाकर समझाया गया है। पोस्टर प्रतियोगिता का उद्घाटन निम्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर बी आर मीणा ने किया। निर्णायक मंडल की भूमिका कुलसचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, डीन डॉक्टर चमनराम वर्मा, डॉक्टर यू के गुप्ता, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर जया ने निभाई। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर रूपाली माथुर और डॉक्टर जया पारिशर ने किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में तन्वी और वंदना ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं अंजलि वर्षा दूसरे स्थान पर रही। इसमें आयुषी और संस्कृति ने तीसरा स्थान हासिल किया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छता अभियान जो उन्होंने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन शुरू किया था, उसी का अनुसरण करते हुए ही निम्स मेडिकल कॉलेज भी स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। इसी के अंतर्गत आज पोस्टर प्रतियोगिता हो रही है जो मेडिकल स्टूडेंट्स द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर्स बना के प्रेजेंट किए गए हैं। डीन, हमारे डीन डॉक्टर चमन वर्मा, रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी व अन्य जजेस डॉक्टर आर सी गुप्ता साहब, डॉक्टर यू के गुप्ता, डॉक्टर जया देवेंद्र व डॉक्टर मुकेश गोयल द्वारा ये जज किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए ये मैसेज है कि स्वच्छता कैसे रखी जाए। समाज में स्वच्छता सबसे प्राइम है। बीमारियों का मूल कारण जो है वो गंदगी है, तो कैसे हम सफाई रखें घर में, परिवार में, समाज के अंदर, सड़कों पे व शहर में कैसे सफाई रखी जाए, इसी पे आधारित हमारा अभियान है, हमारा एक प्रयास है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं स्वच्छता के ओर से कि जो हमने इंडिया के नीचे हमारे जो हाथ बनाए, ये हमारे यूथ के हाथ हैं, जो ये डिपिक्ट करते हैं कि हमारे यूथ के हाथों में है हमारे इंडिया को स्वच्छ रखना और इसकी प्रोटेक्शन करना। और हमने डिफरेंट एक्टिविटीज शो करी है इंडिया में, जो कि जैसे कि डेफिकेशन और रिवर्स सीवेज वगैरह, जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और डिफरेंट प्रैक्टिसेस पॉलिटिशियंस शो करें जिन्होंने बहुत सारी योजनाएं निकाली थी। ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आजकल जितना अच्छा मीडिया है, मास मीडिया, इंटरनेट सोर्सेज, इंस्टाग्राम्स एंड सब, तो उसके बाद जितने भी अच्छे अच्छे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने निकाले हैं वो करंट यूथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, जो जिस वजह से हमने हमारे पोस्टर का मैटर भी वही लिया है, जो यूथ अब इसको प्रमोट कर रहा है आगे चल के।